गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से संबंधित हैं, उनके लिए मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी में, आपके लिए एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो फिलॉसफी है उसमें सांख्य योग, यह एक पेपर आपके चलता है और हम इस पर लगातार कई दिनों से बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में योग दर्शन के अंतर्गत हम पंच क्लेशों पर हमने बात की थी और ये जाना कि पंच क्लेशों में अविद्या ये सभी क्लेशों की मूल है और अविद्या निवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, ऐसा भी हमने जाना। तो अविद्या निवृत्ति हेतु योग दर्शन में क्या क्या उपाय दिए गए, तो एक उपाय अभ्यास और वैराग्य का था जिसकी चर्चा हमने योग दर्शन के प्रारंभ में ही की थी। दूसरा उपाय जो है वो क्रिया योग के नाम से था जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन चीजें आती हैं। यद्यपि जो अष्टांग योग है जो योग दर्शन द्वारा प्रतिपादित सर्वोत्तम उपाय और मार्ग है, उसमें क्रिया योग के इन तीन उपायों की भी चर्चा है। तो आज हम अष्टांग योग की ही संक्षेप में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी भारतीय दार्शनिक ये मानकर चलते हैं कि जो दुख है, जो कष्ट है इस जीवन में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, इन दुखों और कष्टों का एकमात्र कारण है अज्ञान और अविद्या। अर्थात हम आत्मा के स्वरूप को ठीक ढंग से नहीं जानते या हम शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं या फिर संसार के जितने भी पदार्थ हैं, भौतिक संसार, उनके प्रति हम आसक्ति रखते हैं जबकि ये भौतिक पदार्थ अनित्य है और अपवित्र है, परंतु हमारी धारणा इनके प्रति नित्यता की और पवित्रता की है, इसलिए हम इनके प्रति जबरदस्त आसक्ति और राग रखते हैं। तो दुख निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति हेतु क्या सर्वोत्तम उपाय है, विवेक ज्ञान सांख्य द्वारा प्रतिपादित उपाय था। विवेक ज्ञान का मतलब है यानी अविद्या का विपरीत, अज्ञान का विपरीत। बार बार कह रहा हूं, जब अविद्या और अज्ञान शब्द की बात करते हैं तो ये हमारे सामान्य जनरल नॉलेज के अज्ञान की बात नहीं है कि भाई कौन से देश का राष्ट्रपति कौन है, किसका क्षेत्रफल कितना है, किस देश की राजधानी कितनी, इस संदर्भ में अज्ञान, ये अज्ञान की बात नहीं कर रहा मैं। अज्ञान की बात होती है तब हम यहां पर फिलॉसफी में इसका अर्थ लगाते हैं कि आत्मा और शरीर यानी जड़ और चेतन के बीच भेद ज्ञान का अभाव। तो भेद ज्ञान होगा उसको बोलेंगे विवेक ज्ञान और जो अभाव होगा उसको बोलेंगे अविद्या, अज्ञान। तो विवेक ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। तो योग दर्शन में चूंकि अपन ने जो सांख्य और योग को साथ साथ लिया है और सांख्य और योग में जो सबसे महत्तम अंतर है, महान अंतर है, बड़ा अंतर है, वो ये है कि सांख्य मोक्ष के लिए, दुख निवृत्ति के लिए सैद्धांतिक मार्ग देता है परंतु योग दर्शन उसके लिए व्यवहारिक मार्ग देता है और वह मार्ग है योग मार्ग, जिसको जो सर्वोत्तम मार्ग योग दर्शन ने प्रतिपादित किया उसको अपन ने नाम दिया या योग सूत्र में नाम दिया गया अष्टांग योग।
तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति हेतु योग दर्शन में अष्टांग योग दिया गया। उस अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, समाधि, धारणा, ध्यान। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हैं 8। प्रत्याहार 5वें नंबर पे, मैंने गलत बोल दिया, यहां पर आएगा प्रत्याहार। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो प्रथम 3 अंग हैं अष्टांग योग के, इनको योग साधना के बहिरंग साधन माना जाता है। और धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 3 अंग हैं अष्टांग योग के, इनको योग साधना के अंतरंग साधन माना जाता है। यानी अष्टांग योग के 5 बहिरंग साधन और 3 अंतरंग साधन, यानी कुल हो गए 8। ये एक वर्गीकरण है। यदि इस पर ध्यान नहीं दें तो हमें केवल इतना ही याद रखना है कि योग में अष्टांग योग के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। संक्षेप में एक एक करके जाने तो यम पहला है। यम, यम का अर्थ यहां एक तरह से नियंत्रण हो सकता है। यम के भी यहां 5 अंग हैं। यम के देखिए कितना गूढ़तम चर्चा योग दर्शन में की गई है कि यम एक नाम है लेकिन इसके अंदर 5 क्रियाएं हैं, 5 अंग हैं इसके, जिसमें है पहला है अहिंसा। यानी किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार का कष्ट न देना या हिंसा न करना, यह है अहिंसा। दूसरा है सत्य, यानी जैसा देखा सुना वैसा ही व्यवहार करना, कर्म से सत्य का आचरण करना। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैं इन चीजों पर बहुत जोर देता हूं और मैं कहता हूं कि ये 8 अंग तो छोड़िए, आप इनमें से किसी एक का आचरण कर लीजिए। केवल सत्य का आचरण कर लीजिए, केवल अहिंसा का आचरण कर लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। और सत्य के बारे में मैं एक जो बड़ी मजेदार बात करता हूं, वो ये है कि सत्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं। झूठ बोलेंगे, मिथ्या आचरण करेंगे तो बहुत सारी बातें याद रखनी होगी कि मैंने यहां पर ये बोला था, भविष्य में पकड़ा नहीं जाऊं। लेकिन सत्य बोलने में आपको कभी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो जैसा देखा सुना वैसा ही करते जाओ। जब भी परिस्थिति आए वही बताना, तो सत्य ही होगा, कोई झंझट ही नहीं, कोई डर ही नहीं। तो पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा है अस्तेय, यानी बलपूर्वक, छल पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी अन्य वस्तु की जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसको ना लेना। यानी ये जो तरीके अपनाए जाते हैं जीवन में उनका आचरण अनुचित है। फिर है ब्रह्मचर्य, यानी मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण। और पांचवा है अपरिग्रह, धन संग्रह, धन संपत्ति भोग सामग्री का संचय ना करना। ये यम के 5 अंग है, कितने मजेदार हैं। यदि आप सोचिए इनका वास्तव में अनुसरण किया जाए, कोई मन से बिल्कुल तन मन धन से पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनका आचरण करें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसकी सुदृढ़ हो जाएगी, वो कितना प्रबल और शक्तिशाली मनुष्य हो जाएगा। तो पहला था यम, दूसरा है नियम। इस नियम के भी 5 अंग हैं। शौच, शौच का मतलब होता शुद्धि, यानी जल व मिट्टी से शरीर की बाह्य शुद्धि और अच्छे विचारों से आंतरिक शुद्धि, ये हो गया सोच। तो सोच में 2 चीज हो गई, देखिए यम के 5 अंग, नियम के भी 5 अंग। पहला है शौच, जल व मिट्टी, यानी किसी से भी आप शरीर की शुद्धि कर लीजिए, बाह्य शुद्धि, और विचारों की आंतरिक शुद्धि। दूसरा है सोच के अलावा संतोष, यानी कर्तव्य पालन करने में जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहना है, बहुत बड़ी बात है। ये सबके लिए बड़ी बात, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कि जितना हमें मिल रहा है उसी से संतुष्ट रहना बहुत बड़ा है, संतोष। तीसरा है तप, यानी वर्ण, ये प्राचीन कालीन साहित्य है इसलिए वर्ण की यहां पर बात हो रही है। बाकी वर्ण का अर्थ यहां आप वो वर्ण ना लगा के,
मैं एक और पूरा बोल दूं सेंटेंस कि वर्ण आश्रम योग्यता और परिस्थिति। तो आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान से संबंधित जितने कर्तव्य हैं स्वधर्म है उनका पालन करना और उनके पालन से उत्पन्न होने वाले कष्टों को सहना, ये है तप। तो अब वर्ण आश्रम तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप जिस अवस्था में हैं, आप एक पुत्र हैं, आप एक पुत्री हैं, आप एक भाई हैं, आप और भी रिलेशन में आ सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो इनसे संबंधित जितने कर्तव्य हैं उनका पालन ईमानदारी से करें। और उनमें जाहिर बात है कि कर्तव्य पालन में कष्ट होते हैं, उन कष्टों को सहर्ष सहना, यह है तप। फिर है स्वाध्याय, यानी वेद शास्त्र व अपने स्वयं के जीवन का अध्ययन करना। तो शास्त्रों को अध्ययन क्यों करेंगे? ताकि सही दृष्टि मिले। अभी हम वेदों का जिक्र किया, वेद शब्द वेद ज्ञान के भंडार हैं, जो अथाह ज्ञान हमारे प्राचीन कालीन परंपरा से चला रहा वो वेदों में देखने को मिलता है। पर वेद ही जरूरी नहीं है, वेद के अलावा जो भी अच्छा साहित्य है वो पढ़ना आज के जमाने में। शास्त्र शब्द जोड़ा गया है, और स्वयं अपने जीवन के बारे में अध्ययन। अब अपने जीवन के बारे में क्या अध्ययन हो गया? अपने जीवन के बारे में अध्ययन ये होगा कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, मुझे किसी ने मनुष्य बनाया तो क्यों, मेरे से वो क्या चाहता है, इनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना। तो चौथा है स्वाध्याय, और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर की शरणागति, उसके नाम का जप करना। क्योंकि योग दर्शन ईश्वर को मानता है, याद कीजिएगा, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, योग मानता है। और योग में ईश्वर एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, हमें मोक्ष प्राप्ति के माध्यम के रूप में ईश्वर की शरणागति भी एक उपाय यहां पर बताया गया। तो याद कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि योग दर्शन में विवेक ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हेतु तो तीन उपाय दिए गए। पहला था अभ्यास और वैराग्य, दूसरा था क्रिया योग। तो क्रिया योग के यही तीन अंग थे, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जो अष्टांग योग में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखने की आवश्यकता है। तो अभी अपन बात कर रहे थे योग दर्शन के अष्टांग योग की, और मैंने कहा इसके आठ अंग हैं, जिसमें से प्रथम दो में हमने अभी बात की। पहला यम, जिसके पांच अंग है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और दूसरा है नियम, जिसके भी पांच अंग है, वो है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्योंकि आठ अंग है, पूरे की चर्चा एक साथ करना अभी ठीक नहीं होगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, जो ना आप देख पाएंगे ना मैं अपलोड कर पाऊंगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल पुनः इसी समय पर इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।